गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ माई टॉपिक इज़ ऑन थर्मोसिफॉन कूलिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी टाइप्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। उसमें बहुत सारी वाटर यहाँ पे बहुत सारी वाटर कूलिंग सिस्टम है, लाइक थर्मोसिफॉन कूलिंग, पंप असिस्टेड थर्मोसिफॉन कूलिंग, कूलिंग विथ थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर, प्रेशराइज वाटर कूलिंग एंड इवेपोरेटिव कूलिंग। ओके, तो इसमें से हम लोग आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, थर्मोसिफॉन कूलिंग। बराबर, माई सेल्फ आशीष रंगपरिया, आई एम फ्रॉम अमीराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज बात करेंगे व्हाट इज़ थर्मोसिफॉन कूलिंग। ये वाटर कूलिंग सिस्टम में थर्मोसिफॉन कूलिंग है क्या? थर्मोसिफॉन कूलिंग इज शोन इन फिगर, द सीमेटिक डायग्राम ऑफ द इंजिन कूल्ड ऑन थर्मोसिफॉन्स प्रिंसिपल। ओके, द सिस्टम इज सो डिजाइनड एट द वाटर में सर्कुलेट नेचुरली बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे किया यहाँ पे है क्या एक्चुअल में ये सब कुछ चीज़ें, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्मोसिफॉन कूलिंग की बात करेंगे। यहाँ पे एक मिनट, मैं पेन और मार्कर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रश। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या थर्मोसिफॉन कूलिंग। ठीक है, यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी सिस्टम जो वर्क कर रही है वो वाटर की डेंसिटी पे वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये जो है पूरा का पूरा वो सिलेंडर ब्लॉक है। यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4 अलग अलग सिलेंडर्स दिए गया है, जितने सिलेंडर का इंजन है उस हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये सिलेंडर के आजू बाजू के जो एरिया है, बराबर, सिलेंडर का जो आजू बाजू का एरिया है उसमें क्या है, जनरल केस में क्या होता है, यहाँ पे ऑयल होता है। बराबर, अभी मैं समझो कि आपको समझाता हूँ कि जो सिलेंडर्स जो है उसके आजू बाजू में ऑयल होता है, तो क्या होता है कि जब आईसी इंजन जैसे वर्क करता है, ठीक है, तो वो वर्क के कारण यहाँ पे क्या बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया है साइड का जो एरिया, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो ऑयल है वो भी वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो गर्मी के कारण ऑयल एक लेवल के टेम्परेचर के बाद ऑयल भी वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये सिस्टम के कारण इंजन जो है वो बहुत सारी हीट के कारण क्या होता है, ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर समझो प्रॉपर कूलिंग सिस्टम ना हो तो इंजन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंजन के आजू बाजू में, इंजन के सराउंडिंग जो एरिया है वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वाटर कूलिंग जैकेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है जो वहाँ पे सिलेंडर 1, 2, 3, 4 जो भी सिलेंडर यहाँ पे है उसके आजू बाजू के एरिया में हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर का भरा हुआ जैकेट यूज़ कर रहे हैं। यानी एक वाटर का पूरा पूरा एक एरिया है कि जहाँ पे वाटर आजू बाजू में फिल किया गया है। ठीक है, ओके, तो देन आफ्टर अभी क्या है कि समझो यहाँ पे आजू बाजू में वाटर फिल किया हुआ है, तो क्या होगा कि जब जब हीट प्रोड्यूस होगी तब तब क्या होगा, आजू जो इंजन सिलेंडर जो है, सिलेंडर वाटर जो सिलेंडर के आजू बाजू का जो एरिया है उसके ऐसे एरिया में अगर वाटर फिल किया हुआ है तो क्या होगा कि ये वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ओके, तो समझो सिलेंडर की जो हीट है, इंजन सिलेंडर की जो हीट है वो ये वाटर ले लेता है। ठीक है, और आप लोग जानते ही हो, जैसे जनरल केस में समझो अगर कोई एक ये वाटर का एक बाउल है, बराबर, इसको इसमें वाटर फिल किया हुआ है, इसको मैं हीट दे रहा हूँ नीचे से। ठीक है, तो अगर मैं हीट दूंगा नीचे से, बराबर, तो क्या होगा कि वो वाटर अपने आप उसकी डेंसिटी कम कर देगा और वो बॉयल होना शुरू कर देगा। अगर मैं समझो ये सिस्टम को मैं क्लोज कर दूँ और एक पाइप में लगा दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, वो पाइप में से वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर की डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर समझो डेंसिटी जिस वाटर की कम हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली अपर एरिया में आ जाएगा। ठीक है, यानी वाटर ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो वाटर ऊपर की तरफ आएगा वो अपर होस पाइप कनेक्शन के थ्रू, अपर होस पाइप कनेक्शन के थ्रू वो आएगा रेडिएटर की ऊपर की टैंक वाले एरिया में, अपर टैंक एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो है ये पूरा पोर्शन है जो ये वाटर है वो कम्प्लीटली हॉट वाटर और ऑलमोस्ट वेपर जैसा
हो जाएगा, ठीक है, यानी गर्म पानी हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो क्या होगा, ये गर्म पानी अभी जो ये हॉट वाटर है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो है ये रेडिएटर की लाइनिंग है, नंबर 1, 2, 3, 4, ये पूरा इंजन रेडिएटर की लाइनिंग है, ठीक है। तो ये हॉट वाटर यहाँ से क्या करेगा, नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है, डेंसिटी के कारण, बराबर, ठीक है। ये हॉट वाटर यहाँ से ट्रैवल करेगा नीचे की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी क्या होगा, ठीक है, अभी ये होगा कि ये वाटर नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से, बराबर, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू, या तो फिर ये जो फैन है, बराबर, वो फैन के थ्रू, बराबर, ये फैन है, ये क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, बराबर। तो या तो फैन के थ्रू ये एटमॉस्फेरिक, अगर समझो कि गाड़ी ये एरिया में ट्रैवल कर रही है, बराबर, तो रेडिएटर नेचुरल कूलिंग के थ्रू ये क्या होता है, ये वाटर है वो कूल होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, समझो, ओके, तो यहाँ पे जो रेडिएटर है, रेडिएटर जो है उसके अंदर ऐसे ऐसे यहाँ पे साइड में फिन्स होती है, रेडिएटर की दोनों साइड में फिन्स होती है। फिन्स मीन्स के, लास्ट टाइम मैंने फिन्स की बात करी थी आपको, बराबर, आगे का वीडियो आप देख लेना, एक्चुअल में फिन्स है क्या, इंजन की फिन्स जो है उसकी बात करी थी। रेडिएटर की फिन्स होती है जो हीट ट्रांसफर रेट हमारी बढ़ाती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रेडिएटर पे फोकस करेंगे अभी, बराबर, दूसरी इमेज में हम लोग देखेंगे कि रेडिएटर एक्चुअल में है क्या, बराबर। ऐसे यहाँ पे ये जो दिखाई गई है, बराबर, वो है रेडिएटर की फिन्स, ये जो है रेडिएटर की फिन्स है, यहाँ से ये है अपर जो एरिया रेडिएटर का भी मैंने बोला, बराबर, ऐसा कि जहाँ पे पानी हॉट वाटर यहाँ से होगा वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा कम्प्लीटली, बराबर, नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है और नेचुरल कूलिंग के थ्रू, ऐसा जो नेचुरल एयर के थ्रू यहाँ पे कूल हो रहा है, ठीक है। तो ये फिन्स है वो हीट ट्रांसफर रेट हमारा बढ़ा देती है, ठीक है। ये रेडिएटर की ये जो अंदर की जो ये स्क्वायर पाइप आपको दिख रही है यहाँ पे, ये स्क्वायर पाइप है वो वाटर को कैरी करती है, बराबर। वो पाइप्स जो है यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिखा रहा है, यहाँ पे जो पाइप्स जो ट्यूब दिखा रही है, बराबर, वो है हमारा, वो जो पाइप्स है वो है हमारा वाटर कैरिंग पाइप्स है, उसके जो पानी को कैरी करती है, ठीक है। और उसके आजू बाजू में जो एरिया है वो फिन्स का एरिया है, ठीक है। ये जो हमारी है वो फिन्स की लाइनिंग है, आपको यहाँ पे अपने ये रेडिएटर, आपको कोई भी फोर व्हीलर या कोई भी, अभी अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बाइक में भी रेडिएटर आता है, पर अभी समझो हम लोग कार में, हम लोग क्लियरली फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो जो फ्रंट में जो जहाँ पे समझो कि सिंबल इन्हीं दिखा होता है वहाँ पे, उसके पीछे जो होता है वो रेडिएटर और फैन का एरिया होता है, और इसके साथ यहाँ पे फैन कनेक्टेड होता है, जनरल केस में ऐसे फैन कनेक्टेड होता है, बराबर। जब नेचुरल कूलिंग है तो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाए तो ये फैन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और इंजन इंजन में एयर को, ये रेडिएटर जो एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है और वो कूलिंग सिस्टम को प्रॉपरली प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रेडिएटर के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। और देन आफ्टर जो कूलिंग हुआ वो वाटर को यहाँ से ये नीचे का जो नीचे का एरिया जो है, ये नीचे का एरिया जो है वे, बराबर, वहाँ पे वो थोड़ा सा कूल हो गया जो पानी, वो नीचे ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे नीचे के एरिया में वो कलेक्ट किया जाता है और देन आफ्टर इसको फिर से यहाँ से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा हम लोगों ने रेडिएटर के बारे में जान लिया, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे फिर से जो कूल हो गया जो वाटर, बराबर, अभी मैंने बात बताई बताई आपको कि जो कूलिंग वाला जो कूलिंग कूल हो गया जो वाटर वो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, देन आफ्टर इसको ये यहाँ पे नेचुरली ये सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो ये एरिया है वो इंजन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जो इंजन सिलेंडर ब्लॉक है उसके ऊपर की तरफ होता है, तो ये नेचुरली ऐसे कूलिंग होता रहता है, ये रोटेशन कम्प्लीटली नेचुरली घूमता रहता है, ठीक है। हम लोगों ने बात करी अभी जो है वो है थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम की, ये जो सिस्टम है, ओके, यहाँ पे क्या होता है कि ये सिस्टम ये कम्प्लीटली नेचुरली वर्क करती है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ठीक है, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम हम लोगों ने ब्रीफली देखा अभी, बराबर, ओके। अभी बात करते हैं पंप असिस्टेड थर्मोसिस्टम कूलिंग, ठीक है। ये जो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पंप असिस्टेड थर्मोसिफोन कूलिंग, बराबर।
या तो इसको मैं फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम भी बोल सकता हूँ। हम लोगों ने आगे जो डिस्कस करा वो है नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम की, ठीक है। तो कुछ ये जो सिस्टम है थर्मोसिफोन कूलिंग की जो सिस्टम है, ये जो थर्मोसिफोन में जो कुछ ड्रॉबैक्स थे उसको कवर करने के लिए यहाँ पे पंप असिस्टेड थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम की हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेंट करा गया, सॉरी। नेक्स्ट, तो ये सिस्टम जो भी है वो है थर्मोसिफोन कूलिंग, कूलिंग जो है इसका एक फिर से दूसरा ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। अभी जो है वो है पंप असिस्टेड थर्मोसिफोन कूलिंग, बराबर। तो उसमें क्या होता है, ठीक है, कि एक इंजन ब्लॉक एज इट इज यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है वो है इंजन ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे रेडिएटर को थोड़ा सा ऊपर रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम है उसमें क्या होए कि रेडिएटर को इंजन के पैरेलल लगाया जाता है, यहाँ पे रेडिएटर को लगाया जाता है, बराबर। और इसको पंप के थ्रू, यह हमारा पंप के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है और देन आफ्टर इसको इंजन जैकेट में रोटेट किया जाता है, बराबर। डिफरेंस सिर्फ यही है, ये थर्मोसिफोन और पंप असिस्टेड थर्मोसिस्टम कूलिंग में डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पे एक पंप एक्स्ट्रा आ जाता है। तो क्या होता है कि जो रेडिएटर को, सॉरी, रेडिएटर जो पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ लगाया जाता था, वो उसको हम लोग इंजन के पैरेलल लगा सकते हैं, बराबर। तो इसमें क्या बेनिफिट्स है उसके, बराबर। इसके कुछ बेनिफिट्स ये रहे कि इसमें प्रॉपर कूलिंग रेट इससे भी ज़्यादा प्रॉपर है। ऐसा जो ड्रॉबैक्स थे थर्मोसिफोन के, ड्रॉबैक्स कौन से थे? रेडिएटर नीड्स टू कैप अबव द इंजन सिलेंडर लेवल, फ्लो द वाटर टू द इंजन अंडर ग्रेविटी फॉर इट्स एफिशिएंट फंक्शन। तो अभी क्या है कि थर्मोसिफोन का जो ये ड्रॉबैक्स था इसमें ओवरकम, यानी इसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करा है। ये है पंप असिस्टेड में कि यहाँ पे पंप लगाने के कारण इसको रेडिएटर को हम लोग नीचे की तरफ यानी इंजन की पैरेलल लगा सकते थे, ऐसा, ठीक है। ओके ओके, देन सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज असिस्टेड बाय द ओनली व्हेन इंजन बिकम्स हॉट। यहाँ पे क्या था कि जब तक इंजन गर्म नहीं हो जाता था, बराबर, तब तक हम लोग वाटर का सर्कुलेट नहीं करा सकते थे, बराबर। तो समझो यहाँ पे पंप है तो इंजन को गर्म करने की जरूरत नहीं, उसके बगैर भी हम लोग वाटर को सर्कुलेट कर सकते थे, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड बियॉन्ड 80 डिग्री सेल्सियस इन दिस सिस्टम। इसमें क्या है कि अगर कोई हाई स्पीड इंजन है, ठीक है, तो हाई स्पीड इंजन में ये सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था और प्रॉपर टेम्परेचर हम लोग, यानी समझो 80 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो हम लोग इसमें प्रॉपर लेवल पे कूलिंग नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, जो सिस्टम मैंने ये अभी एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ करके बताया, बराबर, तो ये फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम में ये सब कुछ पॉसिबल था, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोगों ने दोनों चीज़ डिस्कस करी, एक है थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम और नेक्स्ट है पंप असिस्टेड थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम, हम लोगों ने दोनों डिस्कस करी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कूलिंग विद थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर, ओके, ये जो, और नेक्स्ट है वो है प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम, जो मेन, ये दोनों सिस्टम हम लोग नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो कूलिंग विद थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GTU के एग्जाम पर्पज से, बराबर, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।